अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग सुबह की शुरुआत के साथ है। है सैटरडे आज और हमारी छुट्टी है। शायान तो सो रहा है, मैं उठ के रेडी हो रही हूँ। जी हाँ, रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मम्मी के यहाँ। तो मैंने सोचा चलो आज मम्मी के यहाँ जाके आ जाते हैं। तो शायू को उठा रही हूँ, कई दिनों से मम्मी के यहाँ गई नहीं थी, वो हमें बहुत मिस कर रही हैं, बुला रही कि आ जाओ मिल के जाओ। तो आज चलिए मम्मी के यहाँ जाते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत जगह हम जाने वाले हैं, बहुत सारा सरप्राइज है। तो आप लोग देखते रहिए। मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरा बेटा शायो। मम्मा चलो, नन्ना क्या नहीं जाएंगे आप? शायान ए बेटा शायो, उजा गुड मॉर्निंग। अरे इतनी नींद नहीं आ रही है भैया। चलो घूमो, टाटा जा रहे, डैडी उठ गए, हम लोग टाटा जा रहे हैं। नन्ना क्या उठिए भैया, नन्ना क्या नहीं चलेंगे? चलो चलो चलो, टाटा। शायान इधर उठ गया। अरे बापा, उठ गए ये लो। घूमू जा रहे, आपको पता है, इधर तो देखो। तो फाइनली हम रेडी हो के निकल चुके हैं और मम्मी के यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं निकलते वक्त रास्ते की वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं रास्ते में मोबाइल यूज़ करना, और शायान भी मेरे गोद में रहता है ना, तो मैं मोबाइल नहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो चलिए, ये देखिए घर पहुँच चुके हैं हम और शायान की मस्ती यहाँ पर चालू है। ये मेरा बहादुर बेटा जा रहा है, ये देखिए, देखते कौन जीतता है, देखते। अरे अरे, यहाँ शायान डर गया सैसी से, वो भी अम्मी देखो निडर है, नहीं डर रही है, उसके पास आ रही है, देखो कैसे। सैसी हाथ मिलाओ, सोफी से निडर है ये, है ना। सैसी हाथ मिलाओ, देखा हाथ मिलाओ, उसे हाथ ऐसे, हाथ हाथ मिलाओ, हाथ दे दो, शेक हैंड कर लो बेटा, हाथ मिलाओ भाभी। हाँ सैसी सैसी से, सोफी से नहीं, सैसी से, ये तो देख रहे हैं ना आप लोग, मेरा बिल्ला जो है बहुत ही शातिर होते जा रहा है। वो कैसे बिल्लियों को, ये देखिए, तो यहाँ पे इनका तो ऐसे चलते ही रहता है। ये है मेरा बेटा जो सारी सोफी को सैसी को घर में दौड़ाते ही रहता है। मैं तो इनसे तंग आ जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर जाना पड़ता है, इसलिए इस वजह से मैं जल्दी जाती भी नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, ये देखिए उसे दौड़ाया जा रहा है, बस वो दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए मेरे घर में बड़ी अप्पी और भाईजान भी आ रहे हैं। तो चलिए, वो लोग आ चुके थे तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम निकल गए थे जल्दी से रेडी होके। तो मैं ये शायान और हम लोग निकल गए हैं, कहाँ के लिए, ढाबा के लिए, पता नहीं कौन सा ढाबा जा रहे हैं, देखते आगे जाके पता चलेगा कि कौन सा ढाबा। शायान की डैडी मिसिंग है तो हम रास्ते से पिकअप कर लेंगे। आ गए हैं और हाँ, ये देखो दिख गए। आप कहाँ बैठोगे? और ये हम पहुंच चुके हैं शालीमार ढाबा, फाइनली वी आर रीच्ड। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ढाबा। तो हम आए हैं भिवंडी के शालीमार ढाबा, तो आप देख रहे हैं, चलिए अंदर जाते हैं। और ये है मेरा बेटा, वाओ अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद कहीं अच्छी जगह आई हूँ। ये देखिए वाओ, फिशेस तो काली पीली हम लोगों को दिख रही थी, कुछ अच्छी मुझे दिखी नहीं।
ठीक है, लेकिन वहाँ का ये जो एंट्रेंस वाला पार्ट था, और हम जाते ही सोचे थे हम बैठे कहाँ, तो प्लान हो रहा था कि कोई अच्छी स्पेस हो, क्योंकि फैमिली थी। और ये देखिए पूरी तरह से ऐसे भरा था, जैसे मुझे तो लगा फ्री में खाना मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी पब्लिक आई हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी बाद में ये हुआ कि चलिए ऊपर है, ऊपर खाली है, आराम से हम बैठ सकते हैं। और रात के आपको पता है हम 2 बजे वहाँ पर पहुँचे, नहीं सॉरी 1 बजे हम वहाँ पे, 1 या 1.5 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। और जैसे हमने खाने के टेबल पे बैठा, सामने दिख गया झूला, तो आपको पता है ना शायन की जो नियत थी वो बिगड़ चुकी थी, वो सीधा वो नीचे देखने लगा। हाँ फिर आ गई हमारी चिकन तंदूरी, ये देखिए, वाह ये है हमारी चिकन तंदूरी, आज हम इसे काम चलाएंगे। अरे नहीं 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 भाई, ये है हमारा पापड़, तो हमने कहा ये हमारी चिकन तंदूरी, हमें इसे काम चलाना पड़ेगा लगता। लेकिन बाद में ये क्या और चीज़ें आने लगी, उसके बाद ढाबे का स्पेशल था चना, तो चना आया ये देखिए, उसके बाद कलेजी मिली हमें, कलेजी हमने खाया। और शायान को खाना नहीं खाना था, उसे डांस करना था, तो वो ये देखिए, मैंने कहा ना मेरी नाके मेरा बेटा जड़ से कटवाएगा, तो ये देखिए वो डांस, वो ना आगे ना पीछे, उसे किसी से डर नहीं, वो बस बल्ले बल्ले बल्ले। फिर इसी तरह से इनका डांस चालू था, हम अपना खाना कंटिन्यू कर रहे थे, ये देखिए बीच बीच में मस्त मस्ती भी होते जा रही थी, हम खाना भी खाते जा रहे थे। तो ये देखिए तंदूरी रोटी, यहाँ पे चिकन, यहाँ पे कोरमा था, अच्छा था। फिर हम इसे कैसे भूल सकते, कोल्ड ड्रिंक, वाह इन लोगों ने क्या उसमें जादू चलाया था, बहुत ही मज़े का था। फिर आया राइस, ज़ीरा राइस खाया, और उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पे। भाई ये तो मेरा बेटा जो था ना, बैठ गया उस पर, बस वहाँ से उठ ही नहीं रहा था। बैठे रहो, मम्मा घूम रही है, देखो ये देखो, मम्मा घूम रही, वाह वाह वाह, क्या फोटो आ रहा है बेटे का मेरे, वाह वाह वाह, चल भी आ ली मेरे बेटे की। अरे बाबा छोटे बच्चे लोग इधर बैठे हुए, अरे छोटे छोटे बच्चे इधर बैठे हुए, साइड से बनाओ, ये साइड से आके, तो ये देखिए सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। आप लोग भी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। ये है भिवंडी का शालीमार ढाबा, यहाँ पे सिर्फ आपको खाना खाने ही नहीं, बच्चों का एंजॉयमेंट कोई ऑप्शन ना हो ना, तो आप यहाँ पे आ जाओ, यकीन मानिए फुल ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब आप कम्प्लीटली यहाँ पे पूरी तरह से बहुत मज़े करोगे। ये देखिए बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर रहे थे, ये देखिए शायन को देख रहे हैं मस्त। और उसके बाद ये कैसे भूल सकती हूँ, मतलब वहाँ का ये एक बेस्ट मोमेंट होगा, जहाँ पे हम एक अच्छा सेल्फी पॉइंट था, यहाँ पे आप अच्छी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। और ये देखिए क्या कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीन मानिए। हाँ वो बात अलग है कि वहाँ पे हमें घर आते आते 6 बज गया था, देख रहे हैं आपको, तो हम एकदम पूरी तरह से थक गए थे, एकदम फ़ोटोज सेल्फी इंजॉय करने के बाद हम निकल गए। और हमें वहाँ से निकलते निकलते 5 बज गए, और घर पहुँचते पहुँचते 6 बज गया। तो ये देखिए हम निकल चुके, और शायन तो पूरी तरह से सो गया था। तो इस तरीके से बहुत लेट हम घर आ गए। तो आप देख रहे हैं भिवंडी ढाबा है बहुत दूर, लेकिन बहुत ही मज़े भरा है। तो शायन देखिए पूरी तरह से सो गया है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।